हेलो स्टूडेंट्स होप यू आर डूइंग वेल आई विल बी योर टीचर फॉर दिस लेक्चर सो इन दिस लेक्चर वी विल कवर द पर्टिकुलर टॉपिक अमीन्स अमीन्स में भी हमें पढ़ना है डाई ऐजोनीय सॉल्ट्स के बारे में तो देखिए जो डाई ऐजोनीय सॉल्ट्स होते हैं वो अमीन से थोड़े से डिफरेंट होते हैं डाई ऐजोनीय सॉल्ट हमेशा और हमेशा कौन बनाता है एरोमेटिक रिंग जैसे हम क्या करते हैं अमीन्स में एल्काइल एराइल ग्रुप को ऐड करके एन एच थ्री के साथ अमीन्स बनता है लेकिन अगर हम डाइजोनियम सॉल्ट्स की बात करें तो अमीन्स में जो एराइल अमीन्स होते हैं वही डायजोनियम सॉल्ट्स को फॉर्म करते हैं इसमें हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी भी हम देखते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में हम कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे कलर एंड ऑर्डर यहाँ पे लिख लेते हैं हम जिसकी हम बात करेंगे कलर एंड ऑर्डर कि इसका किस टाइप का कलर होता है और इसकी क्या स्मेल होती है कि जो हम बात करते हैं डाइजोनियम सॉल्ट्स की तो वो किस तरीके की स्मेल प्रोजेस्ट करते हैं तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं कलर से फर्स्ट टॉपिक दैट वी विल कवर इज कलर कलर तो देखिए ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है यहाँ पे लिख लेते हैं इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी विच वी कैन ऑब्जर्व विच वी कैन ऑब्जर्व जो हम देख सकते हैं जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं एक कलर है ठीक है तो देखिए अगर हम डाइजोनियम सॉल्ट्स की बात करें तो जितने भी डाइजोनियम सॉल्टस है जैसे कुछ आप एग्जाम्पल ले लो बेन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है जिसको हम बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड तो जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है वो जनरली कैसा होता है कलरलेस होता है और भी बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के हमारे पास यहाँ पे डायजोनियम सॉल्ट्स हैं जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड की बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट की बहुत सारे हमारे पास यहाँ पे डाईजोनियम सॉल्ट होते हैं तो हम यहाँ पे एक पॉइंट लिखते हैं जनरली सारे कैसे होते हैं कलरलेस सो लेटेस्ट राइट है ऑल डायजोनियम सॉल्ट जितने भी डाइजोनियम सॉल्ट होते हैं दे आर कलरलेस इनका कोई कलर नहीं होता है दे आर कलरलेस लेट अस राइट हियर कलरलेस इनका कोई पर्टिकुलर कलर नहीं होता है तो चलिए फर्स्ट था कलर दैट इज कलरलेस डाइजोनियम सॉल्व कैसे होते हैं कलरलेस सेकंड इसकी प्रॉपर्टी आती है ऑडो ऑडो मींस जनरली मींस स्मेल डेफिनेटली स्मेल भी हम ऑब्जर्व uh, तो नहीं कर सकते बट डेफिनेटली फील कर सकते हैं तो ये क्या होगी एक फिजिकल प्रॉपर्टी तो चलिए अगर हम स्मेल के बारे में भी बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ कंपाउंडस जो होते हैं मेजॉरिटी ऑफ कंपाउंड ओवर हीयर आर दे डू नॉट हैनी स्पेसिफिक ऑर्डर मेजॉरिटी डायजोनियम सॉल्ट्स मतलब जितने मैक्सिमम डाइजोनियम सॉल्ट्स हैं इनका दे हैव नो ऑर्डर इनका कोई ऐसा स्पेसिफिक स्मेल नहीं होती है ठीक है लेकिन अगर हम बात करें सम डाइजोनियम सॉल्ट सम डाइजोनियम सॉल्ट कुछ स्पेसिफिक डाइजोनियम सॉल्ट होते हैं इनका एक ऑर्डर होता है जैसे हम बात करें बिटर आलमंड्स की बिटर एलमेंड्स की तरह ये स्मेल uh, करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल एलमेंड्स होते हैं व्हेन दे आर पुट फॉर अ लॉन्गर टाइम एंड एक्सपोज टू वेयर तो इनका जो एक्चुअल जो स्मेल uh, होती है वो एक बिटर एलमेंट सी होती है जो खराब एकदम बहुत ज़्यादा हार्ड आलमंड्स की जो स्मेल आती है उस तरीके की इसकी स्मेल होती है जैसे आपने आलमंड ऑयल का जो ऑर्डर है वो सेंस किया होगा तो इस तरीके के कुछ डाइजोनियम सॉल्ट में से इस तरीके की ऑर्डर आती है एक आलमंड ऑयल की तरह तो यही था इसका फिजिकल प्रॉपर्टी दैट इज कलर एंड ऑर्डर कलर क्या है मैक्सिमम सारे जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं कलरलेस चाहे आप कोई सा भी डाइजोनियम सॉल्ट ले लीजिए वो कैसा होगा कलरलेस और uh, अगर ऑर्डर की बात करें तो इसमें जनरली कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होता है बट सम हैव बिटर एलमंडस लाइक ऑर्डर होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन थैंक यू